तमाम विरोध और विवाद के बाद यूपी के बड़े रेलवे स्टेशन में से एक मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम आखिरकार अब बदल गया है। यूपी सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र की हरी झंडी मिलने के बाद अब यूपी के राज्यपाल ने भी इस पर मुहर लगा दी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुगलसराय जंक्शन पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक मुगलसराय जंक्शन पर अब इस तरह की घोषणा आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुगलसराय जंक्शन पर आपका स्वागत है। मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होगा। यह स्टेशन यूपी के चंदौली जिले में आता है। अठारह में बने मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने की कवायद पिछले साल शुरू हुई थी। यूपी के सीएम योगी ने ही मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलने का सुझाव केंद्र को भेजा था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के नाम बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। केंद्र से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद अब यूपी के राज्यपाल ने इसे मंजूर कर लिया है। शुरुआती दौर में थोड़ा तकलीफ आएगा लोगों को, क्योंकि ये नाम विख्यात हो चुका है मुगलसराय, तो आने वाले समय हम जानते हैं कि कुछ दिन के बाद रास्ते से आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान की जितनी भी ट्रेनें, लगभग सारी ट्रेनें यहीं से गुजरती है, इसलिए इसकी बहुत महत्व है इस नाम की, इस स्टेशन की। बट चेंजेस होंगी तो ऑफ कोर्स दिक्कत तो होंगी। जो फर्स्ट पर्सन आएंगे, फॉर एग्जांपल कोई न्यू टूरिस्ट आएंगे, अब्रॉड से आएंगे, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होगा कि नाम चेंज हो गया है। नए नाम के से सारे बॉर्डर चेंजेस जो होंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएशन होगा कि हम कहाँ जाना है। ऐसा लगेगा कि मुगलसराय जाना है, नए स्टेशन पर लगेगा कि नए स्टेशन को याद रखना होगा। जिसके बाद अब स्टेशन का नाम बदलने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सड़क से लेकर संसद तक काफी विरोध हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नाम बदलने का जमकर विरोध किया। दरअसल मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल के नाम पर रखने के पीछे एक वजह भी है। साल 1968 में मुगलसराय स्टेशन पर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय मृत अवस्था में पाए गए थे।